लाइट हो गई हम यहां भी था कोई इनकी शराबियों की मजाक बना रखा है वो लोग हर चीज का तू शर्ट कब करो पांड फोन करो तू खाले को उसको भी पता चलेगा। घंडूरी की महिलाओं ने तोड़ डाली दुकानदार द्वारा अवैध रूप से रखी गई शराब की 5 पेटियां। डीएसपी एसएचओ संग्रहा ने महिलाओं से की नशे का अवैध धंधा करने वालों की सूचना देने की अपील। पुलिस कर्मियों के अनुसार घटनास्थल पर सभी बोतलें टूटी पाए जाने के चलते दर्ज नहीं हुआ मामला। महिलाओं के अनुसार पुलिस को फोन किए जाने के बाद ढाबा व दुकान चलाने वाले शख्स ने अपने घर में शिफ्ट कर दी थी शराब की पेटियां। महिलाओं के अनुसार शराब पीने से इलाके में हर साल होती है किसी न किसी शख्स की मौत। सिरमौर जिला के पुलिस थाना संग्रह के अंतर्गत आने वाले गांव घंडूरी की महिलाओं ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक दुकानदार की लीगल वाइन की 5 पेटियों को तोड़ डाला। महिला मंडल प्रधान जमुना देवी व अर्चना नीलम तथा नेहा आदि पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 6 माह से वह गांव के सभी लोगों व दुकानदारों को लगातार शराब न बेचने व न पीने की हिदायत दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद उक्त शख्स द्वारा अपना अवैध धंधा बंद नहीं किया गया। महिलाओं के अनुसार रविवार को मासिक बैठक में जब उन्हें उक्त शख्स के पास शराब की 5 पेटियां होने का पता चला तो उन्होंने पुलिस को फोन पर इसकी सूचना दी। फोन करने के कुछ ही देर बाद पुलिस के आने से पहले महिलाओं के अनुसार इस धंधेबाज को पता लग गया और अपने ढाबे अथवा दुकान से उसने पेटियां अपने घर में शिफ्ट करना शुरू कर दी, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, महिलाओं ने 5 पेटियां उठा उठा कर सड़क पर पटक डाली और संबंधित पुलिस कर्मियों के अनुसार एक भी बोतल सही हालत में न मिलने के चलते एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं कर पाए। महिलाओं ने गांव के बाजार में दुकानें पर ढाबा चलाने वाले सभी लोगों को भविष्य में शराब न बेचने व शराबियों को न बिठाने की हिदायत देते हुए कहा कि वह अपनी पंचायत में पूरी तरह नशाबंदी कर चुकी है, इसलिए नशे का अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी संगड़ा ब्रिजलाल मेहता व डीएसपी मुकेश कुमार डडवाल ने बताया कि पुलिस चौकी नौरा धार व हरिपुर धार से एक लेडी कांस्टेबल सहित कुछ पुलिस कर्मी जब तक घंडूरी गांव पहुंचे, गुस्साई महिलाओं द्वारा सारी बोतलें तोड़ी जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से भविष्य में शराब अथवा अवैध नशे का धंधा करने वाले लोगों की सूचना पुलिस को दिए जाने की अपील की गई है और खुद कानून हाथ में न लेने की बात भी समझाई गई है। महिलाओं के इस कदम की क्षेत्रवासी जमकर सराहना कर रहे हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सका। बच्चे भी गुम हैं।